भारत में खाते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने मेवात को क्यों बताया मिनी पाकिस्तान। हरियाणा के गृह मंत्री ने दे दिया इतना बड़ा बयान कि कैसे बनाया था जिहादियों ने इतना बड़ा प्लान। उधर विश्व हिंदू परिषद की मांग, जिहादियों पर हो ऐसी कार्रवाई कि 10 पुश्ते रखे आज। इधर बाबा का बुलडोजर मॉडल चला तो जिहादियों की निकल गई हैकड़ी। बाबा बुलडोजर मॉडल पर हुई कार्रवाई, तोड़े गए 600 से अधिक अवैध निर्माण। उस फैमिली रेस्टोरेंट को भी तोड़ा गया जहाँ से जिहादियों ने शुरू की थी पत्थरबाजी। जी हाँ, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा को लेकर कहा कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ, बहुत बड़ा गेम प्लान है, इसकी जांच की जा रही है। आरोपितों के इलाज के लिए बुलडोजर भी एक दवा है। वहीं आरोपितों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से विश्व हिंदू परिषद संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जिहादियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि इनकी 10 पुश्ते भी याद रखें, हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला नहीं करना है। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में हिंसा के लिए जिस ढंग से प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों पर मोर्चा बनाया गया, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चा बनाया गया, ये बिना योजना के थोड़ी होता है, ये अचानक थोड़ी होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी था, लाठियों को फ्री में बांटा जा रहा था, किसी न किसी व्यवस्था की लाठियां थी, गोली चली, कोई न कोई हथियार लेकर आया था, ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ, ये बहुत बड़ा गेम प्लान था, हम इसकी पूरी गहराई तक जाएंगे। विज ने आगे कहा कि नूह में हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और कोई भी दोषी छूटे ना। प्री प्लानिंग करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पर चढ़कर गोलियां मारी गई, छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए, हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी होगी और अब हो भी रहा है, उनके ऊपर केस बनता है, उसका इलाज होगा, इलाज में बुलडोजर भी एक दवा है, वो भी जहां जरूरी होगी हम चलाएंगे। गिरफ्तार किए गए लोगों से जानकारी मिली है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पूरे मेवात में आतंक का माहौल है, इसलिए उन्हें मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इन हमलावरों ने भारत में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, हिंदू व्यापार देता है तो व्यापार करते हैं, उन्हीं हिंदुओं को मारोगे, उन्हीं हिंदुस्तान को गाली दोगे, पुलिस पर हमला करोगे, एक्शन की शुरुआत हुई है, आगे और अधिक होनी चाहिए। जिहादियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो नाकाफी है, पूरे जिहादी मानसिकता को कुचल देना चाहिए, उन्हें यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा जा सकता, हिंदुओं की हत्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि हत्यारों के साथ जो व्यवहार होता है वैसा ही इनके साथ भी हो, आने वाली 10 पुश्ते भी याद रखें और हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला ना करें। 31 जुलाई के दिन हुए हमले को याद करते हुए सुरेंद्र जैन ने कहा कि चारों तरफ से रास्ते बंद थे, ना तो पुलिस अंदर आ सकती थी और ना ही अंदर के लोग फंसे बाहर जा सकते थे। पहाड़ों पर चढ़े हुए जिहादियों ने ऊपर से गोली बरसानी शुरू कर दी, कारगिल जैसा दृश्य बन गया था। फर्क बस इतना था कि भारतीय सेना के पास हथियार थे लेकिन हम हिंदू निहत्ते थे। ओवैसी मदन वर्क जैसे नेताओं को यह समझना चाहिए कि वो मुस्लिम को किस ओर ले जा रहे हैं, ये अंधेरी गलियां और विनाश पर समाप्त होंगी। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें अपने कॉमेंट जरूर बताएं। बने रहें ZT News के साथ।